हेलो गाइस, आई एम पार्थ संघानी। दिस इज माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडा बाय पार्थ सर। और एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 15। अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। कोई एक पार्टिकल है जो रेस्ट पर से, यानी कि स्थिर स्थिति से अपनी मोशन, अपनी गति स्टार्ट कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स। उसमें कुछ कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है, कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहली 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ इज S1, वो डिस्टेंस दिया है S1। हम डेटा लिखते हैं फर्स्ट 10 सेकंड, उसमें जो डिस्टेंस कवर हुआ वो है S1। एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड, और पहली 20 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ, फर्स्ट 20 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ इज S2, वो डिस्टेंस दिया है S2। देन S1 और S2 के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें निकालना है। एकदम इजी MCQ है। हमारे पास S का फॉर्मूला है, S = UT + 1/2 AT². तो पहली 10 सेकंड के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट 10 सेकंड के लिए, उसके बाद फर्स्ट 20 सेकंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट 10 सेकंड के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट 10 सेकंड में S1 है डिस्टेंस, तो S1 स्टार्ट तो ऑलवेज फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट यानी U = 0, यानी कि ये पूरा टर्म गायब, बचा 1/2 AT², तो 1/2 एक्सेलरेशन तो वो ही है। टाइम लगा फर्स्ट 10 सेकंड यानी 10² तो S1 = 1/2 A 10² यानी 100, तो S1 = 100/2 यानी 50A। यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट 20 सेकेंड, फॉर्मूला यही है, पर डिस्टेंस 20 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है S2, ये तो गया क्योंकि फ्रॉम रेस्ट, बचा 1/2 AT², 1/2 A वही है, T आ गया 20² तो S2 = 1/2 A 20² यानी 400, तो S2 = 400/2, बचा 200A। दोनों का रिलेशन चाहिए, जब भी रिलेशन चाहिए तब दोनों को डिवाइड कर दो। कहीं भी अगर किसी दो चीज़ का रिलेशन चाहिए तो उन दोनों को डिवाइड कर दो, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट से डिवाइड लेफ्ट, राइट से डिवाइड राइट। AA चला गया, 0 0 चला गया, 5 4 20, तो S1/S2 1/4। इस तरह नहीं दिया तो कोई बात नहीं, S1 = S2 वहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, तो 4S1 = S2। ढूंढे इसमें S2 = 4S1 यहाँ पे है, तो ऑप्शन D इज योर आंसर। इसे नोट करें।